हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PWQ पाथफाइंडर वीकली क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पाथफाइंडर का MCQ नंबर 30। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड भी लग सकता है आपको, पर ये हम करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आपका अगर पहले से आता है तो आप बेशक ये वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप अगर आपने नहीं पढ़ा या तो आपको नहीं आता तो पहले आप ये क्वेश्चन पढ़े और खुद से ट्राई कीजिए, और जब मैं सॉल्यूशन बताऊँ तो आप उस पर देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक मिनट। इलेक्ट्रॉन्स मास एम एंड चार्ज ई कैन बी प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन टू पैरेलल प्लेट लाइक इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी शोन इन द फिगर। मतलब ये इधर है, इधर ये ऐसे एपरेटस है कुछ, और इधर से हम कुछ ऐसे सामने से कुछ वी वेलोसिटी से फेंक सकते हैं, और ये दो हमारे क्या है, पैरेलल प्लेट से। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। द बॉटम प्लेट इज कनेक्टेड टू मिड पॉइंट ऑफ सी ऑफ अ रियोस्टेट व्हाइल द अपर प्लेट इज कनेक्टेड टू द रियोस्टेट थ्रू अ स्लाइडिंग जॉकी जे। देन टर्मिनल्स ए एंड बी ऑफ द रियोस्टेट आर कनेक्टेड अक्रॉस एन आइडियल बैटरी ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वी। व्हेन द जॉकी इज हेल्ड एट सी इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द प्लेट्स एंड हिट अ फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन एस इन टाइम टी नॉट। ओके, और क्या दिया गया, डिस्टेंस डी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज लार्ज इनफ सो दैट नॉन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द इलेक्ट्रोड्स इग्नोर मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ इधर अलग से डायग्राम के जरिए, बाद में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे 30th वाला। देख लो, एक बैटरी ऐसे लगाई गई है और एक ऐसा रेजिस्टर ऐसा। ठीक है, और रेजिस्टर के मिड पॉइंट में यानी कि एकदम बीच में एक जॉकी है सी, जो कि सी हमारी क्या है दोस्तों, सी हमारी एकदम फिक्स्ड है, और इसका एक एंड है जो कि कहाँ पे लगा है, एक पैरेलल प्लेट पे लगा है। ठीक है, और जो दूसरी जॉकी है दोस्तों वो हमारी कौन सी है, वो हमारी जॉकी है जॉकी जे, और वो भी एक अलग से पैरेलल प्लेट में ऐसे लगी हुई है। एक मिनट, ठीक है ऐसे। ओके, तो अभी क्या होगा, तो अभी जैसे मैं अभी क्या होगा कि जैसे हम जॉकी सी पे रखते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वैसे सीधा पैरेलल टू प्लेट ऐसे निकलता है, और इधर एक स्क्रीन रखी हुई है और उस पे जाके क्या टकराता है। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, चलिए तो इसमें हो क्या रहा है, देखो पहले तो ये सर्किट कंप्लीट हो गए तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, फिर ये जो पॉइंट है ये और ये दोनों, ठीक है, उसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा V1 और V2 मान लीजिए पोटेंशियल, तो V1 माइनस V2 मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, तो ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे आएगी। ठीक है, और सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा बना दिया, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया तो उसके वजह से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड मानो ऐसे आ गई तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लगेगा, फोर्स ऐसे लगेगा फोर्स, तो फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही है पूरा फंडा कि करंट फ्लो करेगा, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स आएगा, और फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है इस पूरे क्वेश्चन का मतलब, और अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये क्या बोला है, इन अ ट्रायल जॉकी जे इज हेल्ड एट ए एंड इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड। मतलब ये जो सी वाली जॉकी है वो वहीं पे रखी है, और जो जे वाली जॉकी है वो ए पे रखी है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे रखी है, ए पे रखी है, और क्या बोल रहे हैं कि अ टाइम इंटरवल 0.5 t0 by 2 के बाद, जब t0 by 2 टाइम बीत चुका होता है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब आगे बढ़ता है, जॉकी सडनली मेड टू जम्प टू द एंड बी। मतलब कि देखो कि पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये टोटल टाइम जो लगता है एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करने पे और हिट स्क्रीन को हिट करने में, ठीक है, तो वो टोटल टाइम इधर से इधर जाने का टोटल टाइम क्या है, टी नॉट है। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं कि t0 by 2 टाइम के बाद जॉकी पहले ए पे थी, तो ए से डायरेक्ट जॉकी कहाँ पे ला दे, बी पे ला दे रहे हैं, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा मैं आपको अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, हमको पूछा क्या है कि वेयर
ऑन द स्क्रीन डज द इलेक्ट्रॉन मेक अ स्पॉट, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ए पे थी, टी नॉट बाई टू के बाद कहाँ पे आ गई, बी पे आ गई है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, और मैंने जो इसका वर्किंग प्रोसेस है पूरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, फोर्स डेवलप होगा, वो अभी मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ अच्छे से, कि पहले इधर था ऐसे, ठीक है, एक मिनट अच्छे से बनाने दो, ऐसे ऐसे थोड़ा, ये मान लो रजिस्टर है, ठीक है, और सी पॉइंट मान लो एकदम बीच में मिड पॉइंट है, और उससे एक जॉकी निकल के इधर कहीं कनेक्टेड है, और ये मान लो ये हमारी क्या है, प्लेट है, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्लेट है, और इधर पहले जॉकी ए पे रखी है, तो उससे भी एक प्लेट निकल के इधर कनेक्टेड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। तो अभी तक सबसे पहले क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन सी से इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के पैरेलल टू द प्लेट मूव करते हैं और टाइम टी नॉट तक पे टकराते हैं। दोस्तों देखिए, ये मान लो स्क्रीन है, एक मिनट, थोड़ी सी तिरछी, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, एक मिनट फिर से मैं बना देता हूँ, ये इसके एग्जैक्टली इक्वल बना रहे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी ये स्क्रीन है, ठीक है, और इधर से मान लो ओ पॉइंट से ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे निकलते हैं, और दोस्तों ये टोटल डिस्टेंस जो है इधर से इधर तक, वो डिस्टेंस है एल, और बोला है कि जब भी नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है तो उसमें टोटल टाइम टी लगता है, ठीक है, उसमें टोटल टाइम टी लगता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो मान लो इसकी वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, वी एक्स वेलोसिटी है, वो आगे जाके टोटल टाइम वी नॉट पर टकराता है, हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स इज इक्वल टू एल बाई टी नॉट लिख सकते हैं। तो उससे दोस्तों क्या आ जाएगा, टी नॉट इज इक्वल टू एल बाय वी एक्स। और दोस्तों वी एक्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन की खुद की जो वेलोसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खुद की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। मतलब जब ये सब कुछ कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा, मतलब फ्रीली जब इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया, और मतलब कुछ बैटरी कनेक्ट नहीं की गई, तो उसके बिना जब इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया तो टी नॉट टाइम पे हिट करता है। तो ये इससे मैंने सिंपल ये बेसिक इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या बोला कि आफ्टर इन द ट्रायल चौकी हेल्ड एट ए, तो सबसे पहले चौकी कहाँ है, ए पे है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, ये तो क्वेश्चन में पहले दिया गया था, अभी हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले चौकी ए पे था और ए सी पे था, सबसे पहले हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। तो दोस्तों क्या इसकी बैटरी का पोटेंशियल हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, वी नॉट मान लेते हैं, कैपिटल वी नॉट। तो और ये तो ए का पोटेंशियल भी इधर धागे से कनेक्टेड है, धागे नहीं है, ये वायर से कनेक्टेड है, तो वी नॉट हो जाएगा, और इधर जीरो और वी नॉट हो जाएगा, तो ये भी इसका भी वी नॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली इधर सिंपल से एकदम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, कैसे, कि उसको मिड पॉइंट थे दो भाग में ब्रेक कर दो, ठीक है, मिड पॉइंट में कनेक्ट किया गया, तो हम उसको दो अलग रजिस्टर से ट्रीट कर सकते हैं। मैं अलग से बना देता हूँ इसको, देखो ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो और इधर मान लो मिड पॉइंट पे पॉइंट सी, मतलब हमने बेसिकली एक रजिस्टर को दो रजिस्टर में तोड़ दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको मान लो रेजिस्टेंस आर है, तो इन दोनों पार्ट का अलग अलग क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और ये वी नॉट है, तो करंट भी हमको पता चल गया सिंपली वी नॉट बाय आर हो जाएगा, तो उन्हें सीरीज में इसलिए, ठीक है। और हमको पता है कि इधर पोटेंशियल वी नॉट है, तो इसके आगे जाके इसका पोटेंशियल को फाइंड करने, तो क्या हो जाएगा, वी नॉट माइनस आई आर बाय आई इंटू रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। और हमको पता है आई क्या है, हमको पता है आई क्या है, वी नॉट बाय आर इंटू, और रेजिस्टेंस हमारा R/2 है, तो दोस्तों ये सिंपल ये पॉइंट हमारा कितना आ गया दोस्तों, वी नॉट बाई टू पोटेंशियल पे आ गया, ठीक, किस पे आ गया, वी नॉट बाई टू पोटेंशियल पे आ गया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फॉर द टाइम बींग, और इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये है वी नॉट पे, और सी पॉइंट है वो कितने पे है, वी नॉट बाई टू पे है, तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इधर आ जाएगा, ये जो इधर वी नॉट आ जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, बस स्ट्रिंग नहीं सॉरी वायर से कनेक्टेड है, और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों, वी नॉट बाई टू, ठीक है। तो अभी हमको पता है, क्या पता है कि अभी ये V नॉट है और ये V नॉट बाई टू पे है, तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, डेल्टा वी, मैग्नीट्यूड कितना, डेल्टा वी अपॉन डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमको कितना दे रखा है,
दोनों पॉइंट के बीच डी दे रखा है ना, दोनों प्लेट्स के बीच, तो दोनों प्लेट्स के बीच डी दे रखा है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, वी नॉट माइनस वी नॉट बाई टू अपॉन डी लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आ चुका है वो कितना आ चुका है, वी नॉट बाई टू डी आ चुका है। ठीक है, वी नॉट बाई कितना आ चुका है, वी नॉट बाई टू डी। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी अभी मेरे को क्या पता है, अभी एकदम सिंपली अगर मैं ऐसा पूछूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स ऑब्वियसली सिर्फ लगेगा क्योंकि ऑपोजिट लगता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऑपोजिट तरीके से। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होते तो फोर्स भी इधर ही लगता, पर ये इलेक्ट्रॉन है इसलिए आई होप कि आपको बेसिक्स पता है, इसलिए ऑपोजिट लग जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन हम फाइंड करना चाहें तो हो जाएगी फोर्स बाय मास, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है वी नॉट बाय टू डी, और नीचे एम है, तो एक्सेलरेशन में सीधा सीधा क्या मिल गया, ई वी नॉट बाय टू डी एम या एम डी, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तुमको सीधा सीधा एक्सेलरेशन हमको मिल गया ई वी नॉट बाय टू डी एम तक, पर ये कहाँ तक है, ये सिर्फ फाइव टी नॉट तक ही है, फाइव टी नॉट के बाद दूसरा बी पे चला जा रहा है पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ये तार जो ए वाला है, जो वायर है, वो सीधा इधर आ जा रहा है बी पे। ठीक है, तो ये कितने, तो कितने तक है, सिंपली ये सिर्फ ओनली टिल कहाँ तक है, टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टी नॉट बाई टू तक ही है हमारा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको एकदम, मैं एकदम धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि एकदम हार्ड क्वेश्चन को एकदम इजी किया जा सके, वैसे हार्ड नहीं है पर उसके आगे वाले जो 31, 32 है वो भी हार्ड है, पर हम वो वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, पर पहले ये कर लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा आ गया है, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि एक सीधा पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ओरिजिन है, और ये कोई भी पार्टिकल जा रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन, और उसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है ई वी नॉट बाय टू डी एम। ठीक, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमको पता है कितनी है दोस्तों, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है दोस्तों, वी नॉट है, वी एक्स है, सॉरी मतलब इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी जिससे वो आगे बढ़ता है। ऑल राइट, तो अभी मैं क्या फाइंड करूँगा कि जीरो से टी इक्वल जीरो से टी बाई टू तक पहले कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले सबसे पहले मैं वो फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको इधर रखते, चलो बाद में शिफ्ट कर देंगे इसको। चलिए, सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा, अभी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन चुका है, ये कितना हो जाएगा, सिंपली वी एक्स इंटू टी नॉट बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, पर हमको पता है इधर से कि वी एक्स क्या है, एल बाई टी नॉट है खुद पे खुद। ठीक है, ऊपर से हमने सबसे पहले इक्वेशन वही लिखी थी, तो क्या हो जाएगा, एल बाई टी नॉट इंटू टी नॉट बाई टू, यानी कि हो जाएगा एल बाई टू, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा जीरो से टी बाई टू, तब वो एल बाई टू ट्रैवल करेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन है क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो क्या हो जाएगा, हाफ ए टोटल टाइम कितना है, टी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आप पुट करेंगे इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो इजीली आपकी ये आ जाएगी ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय 16 डी एम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि अगले बी पे शिफ्ट हो रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे सॉल्व। और मैं ऐसे भी पता कर लेता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एक्स तो वही रहा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मान लो कुछ वी वाई आ जाएगा एक्सेलरेशन के कारण, तो वी वाई क्या हो जाएगा, पहले इनिशियल कितनी थी यू वाई, मान लेते यू वाई, पर वो क्या थी जीरो, प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, एकदम काइनेमेटिक्स से, तो ए वाई क्या हो जाएगा हमारा ई वी नॉट बाई टू डी एम, और ये है टी नॉट बाई टू है, तो मान लो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ ई वी नॉट टी नॉट बाई फोर डी एम। तो अभी तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि हमने टी नॉट से टी जीरो से टी बाई टू तक हमने क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट निकाला, फिर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाला, और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाली। तो फाइनली हमारा, मैं केस बना डायग्राम बना देता हूँ कि जीरो से टी नॉट बाई टू तक हमारा क्या क्या हुआ कि पहले तो ऐसे था और ऐसे था। ठीक, और ये टोटल लेंथ कितनी थी दोस्तों, टोटल लेंथ प्लेट्स की थी एल। ठीक है, टोटल लेंथ प्लेट्स की थी हमारी एल, तो टोटल लेंथ एल थी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो इसके मिड पॉइंट पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन एल नॉट बाई टू थी तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया,
इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में इधर है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई थी, ठीक है। तो इधर स्टार्ट किया ओरिजिन से और वाई डायरेक्शन में थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो इलेक्ट्रॉन हमारा अभी तक इधर है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे इधर शो कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। और मान लेते इधर है और ये वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हुआ था कितना, ई वी नॉट टी नॉट स्क्वेयर बाय 16 डी एम। उसकी वेलोसिटी भी है, एक तो वी एक्स है ऑलरेडी जो हमको पता है, और दूसरी कौन सी वेलोसिटी उसके पास, एक तो वी वाई वेलोसिटी है जो हमने अभी निकाली, कितनी थी, ई वी नॉट टी नॉट बाय 4 डी एम। समझ में आ गया, मतलब ये एकदम सिंपल सिंपल हो गया हमारा केस, मतलब ये इतना शिफ्ट हुआ ऊपर और इतना चला एल बाई टू, और उसकी वेलोसिटी भी हमको पता चल गई, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम अभी क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा टी से डी नॉट, जीरो से डी नॉट बाय टू तक का सब कुछ हमने निकाल लिया क्या क्या हो सकता था। तो अभी हम आगे क्वेश्चन पढ़ते, उसमें क्या लिखा है कि अचानक से बी पे जंप हो जाती है जो ए पे थी, अचानक से किस पे जंप हो जाएगी, बी पे जंप हो जाएगी। तो अभी हमको निकालना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे टकराता है, चलिए तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे टकराता है वो निकालना है हमें, ठीक है। तो अभी हमें अभी देखो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि मान लो ये हमने बैटरी थी, हमने फिर से बनाई थी, तो ऐसे दो भाग में ब्रेक कर दिया था हमने रेजिस्टेंस को ऐसे और ऐसे, और वी नॉट थी, तो अभी हमको पता है कि इसका पोटेंशियल वी नॉट था जो ए पॉइंट है, फिर सी पॉइंट का पोटेंशियल वी नॉट बाई टू था, और इसका पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि ये इधर से ऐसे कनेक्टेड, आप चाहेंगे तो क्रॉस चेक कर ले कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो अभी ये पॉइंट बी है, और अभी केस क्या उल्टा पलट गया है, क्या पलट गया है कि पहले बी का पॉइंट बी पे इधर जो पॉइंट है वो इधर से ऐसे निकलता है, और जो सी का पॉइंट है वो इधर से ऐसे, एक मिनट दोस्तों, इधर से ऐसे निकलता है, ठीक। तो इस अभी क्या हो जाएगा, अभी पलट जाएगा पूरा सिनेरियो, इधर वी जीरो हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई टू हो जाएगा। तो अभी पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी, और जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन इधर है कहीं बीच में एल नॉट बाई टू एल बाई टू पे, तो उस पर फोर्स नीचे लग जाएगा इस बार, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा, नीचे लग जाएगा इस बार, ठीक है, एफ बाई एम। समझ में आ गया, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ई बाई एम, ठीक है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार क्या आएगी, सेम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वी नॉट बाई टू से जीरो ही तो है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वी नॉट बाई टू ही है, और डिस्टेंस जो है दोनों प्लेट के बीच वो तो फिक्स है, वो भी वी नॉट बाई वो भी कितना है डी है, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, सेम ही रहा, सिर्फ उसकी क्या बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, अभी तक डायरेक्शन किस में आ गई, नीचे की तरफ आ गई। तो हम फिर से ये वाला डायग्राम है वो उठा के एक मिनट नीचे रख देते हैं, एक मिनट दोस्तों, ये वाला डायग्राम है हम उठा के कहाँ रख देंगे, ऐसे नीचे, ठीक है, चलिए बढ़िया। तो अभी तक हमारा केस ऐसा था, और अभी इस पॉइंट पे आने के बाद हमारा एक्सेलरेशन इधर नीचे की तरफ आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई वी नॉट बाय टू डी एम। चलिए ये इतना हमारा आ गया है, अभी हमको क्या फाइंड करना है, अभी हमको सिर्फ इतना फाइंड करना है कि टी इज इक्वल टू टी नॉट बाई टू से टी नॉट तक कहाँ स्ट्राइक करता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितनी होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज, उसकी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि पार्टिकल उधर ही टकराने वाला है, चलो तो भी निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्स डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, वी एक्स इंटू टोटल टाइम टी, यानी कि टी नॉट बाई टू से टी नॉट मतलब उतने टाइम हो ना टी नॉट बाई टू, और ये है हमको पता है एल बाई टी नॉट है, सबसे पहले हमने वही लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा एल बाई टू और हो जाएगा, मतलब इधर से एल बाई टू और, ठीक है, हम ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, समझ रहे आप। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो है वो भी सिंपली क्या हो जाएगी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अगर हम यू वाई ऊपर के डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, तो ऊपर के डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है, इनिशियल ई वी नॉट टी नॉट बाय 4 डी एम इंटू टोटल टाइम इंटरवल कितना है दोस्तों, टी नॉट बाई टू है अभी भी, और प्लस इसको मटा देता हूँ, प्लस हाफ
एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे इस बार दोस्तों, एक्सेलरेशन लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि उसके डायरेक्शन ऑपोजिट है। एकदम बेसिक काइनेमेटिक्स का भी, एकदम बेसिक काइनेमेटिक्स का इक्वेशन बन चुका है ये। तो ये टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, टी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, एकदम ईजी था। तो अभी बस अभी इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसका इसका आंसर आप कैलकुलेट कर लेना, आ जाएगा ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय 16 dm, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो लाइन थी, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट था, इधर का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो उससे भी और ज़्यादा कितनी हो गई, ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय 16 dm। मैं कहाँ लिखूँ, एक मिनट थोड़ा इधर लिख देता हूँ। इससे आगे कितनी हो गई, ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय, इधर डी आएगा दोस्तों, हाँ 16 md। ठीक है, तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कोई पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कोई पूछे हमको एस वाई टोटल, तो पहले तो कितना चला, सबसे पहले केस में ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय 16 dm चला था ऊपर वाले केस में, इससे पहले, प्लस इसमें कितना चला, ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय 16 dm, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लिया है ना, यू आई को पॉजिटिव लिया है, उसको नेगेटिव लिया है, मतलब ऑलरेडी आंसर हमारा इसमें पॉजिटिव आ रहा, मतलब ऊपर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो बस अभी इसका आंसर आपके सामने है, ई वी नॉट टी नॉट स्क्वायर बाय 8 dm। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि हमको ये बोला था फाइंड करने के लिए, यही हमारा आंसर है दोस्तों। एक मिनट थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, यही हमारा क्या है, आंसर है, और यही हमको बोला था, एक मिनट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, हमको ये बोला था कि वेयर ऑन द स्क्रीन डज द इलेक्ट्रॉन मेक अ स्पॉट, मतलब कि कितने कहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकरा था, स्पॉट मतलब जहाँ पे वो टकराएगा वहीं पे स्पॉट बनेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन कितना था, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो हमने नीचे निकाला वही था, यही था, और वो अबव एक्स एक्सिस था। ठीक है, एस वाई हमारा पॉजिटिव था, अबव एक्स एक्सिस था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। पर आंसर तो क्वेश्चन के पहले ही दिख गया था, जब मैंने स्टार्टिंग वीडियो के एंड स्टार्टिंग में, पर हमको क्वेश्चन निकालने में कोई मतलब नहीं था, हमको ये जो लर्निंग प्रोसेस था, ये सब कुछ अगर आप अपने आप कर लेते हैं तो मतलब तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात बनती, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। ठीक है, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और नए वीडियोस आते रहेंगे, और कमेंट करके बताओ कि हमें और क्या नया कंटेंट डालना चाहिए ताकि आपको अच्छा लगे। सीन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।